दिल ऐसे जियो जैसे कि आपके देखो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आपके हो। Hey guys, welcome back to the channel. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। कल थी जन्माष्टमी और जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि जन्माष्टमी के दिन बहुत सारा कुछ काम हो गया, मतलब हो जाता है। अब अगर घर में पूजा होता है तो पूजा के पहले के प्रिपरेशन होता है, फिर पूजा के बाद भी सब कुछ करना होता है, साफ़ सफाई करना होता है, पूजा से पहले घर को साफ करना होता है, सब कुछ तैयारी करना होता है, फिर पूजा वगैरह, फिर व्रत भी था हमारा दोनों का नहीं तीनों का, प्रिंसों भी किया था व्रत, है ना। हाँ, खिचड़ी खा के व्रत किया था। तो बस यही है कि हमने सबने व्रत किया था एंड कुछ भी नहीं खा था, हस्बैंड एंड मैंने कुछ भी नहीं खाया था। रात को पूजा के बाद ही रात को ही खाए, तो पानी वगैरह पिया था बस। तो मुझे बहुत थोड़ी सी थकावट हो जाती है एंड इधर उधर भाग दौड़ हो जाती है ना, घर में पूजा होता है तो भाग दौड़ तो हो ही जाती है, इतना सारा कुछ अरेंजमेंट्स करना, ये वो करना तो हो जाता है, तो बहुत थकावट होता है। कल मुझे पता नहीं चला एंड रात के सोते वक्त भी बहुत लेट हो गया, क्योंकि घर के पूजा था, फिर उसके बाद हस्बैंड गए पूजा करने, पूजा था उनका, तो उससे आते वक्त रात के 12 बज चुके थे वो आते वक्त, फिर हम खाए, फिर सोते सोते पूरा 1 बज गया, तो बहुत लेट हो गई। तो सुबह जल्दी भी उठना पड़ा, उसका क्लास था। सो मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हुई कि आज सुबह से कुछ नहीं कर पा रही थी लिटरली, फिर साफ़ सफाई किया, वो सब किया। तो बस यही था कि आज मैं सोची थी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और हम माँ बेटा कर रहे थे थोड़ी सी रील्स मस्ती। जी हाँ, अगर जो जिन्होंने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है आप कर सकते हैं, इसुष्मिता है इंस्टाग्राम आईडी, डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ फॉलो कीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे रील्स आपको देखने को मिलेंगे, नॉट टैंकी भरे रील्स। तो बस हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे एंड खाना अभी कुछ नहीं बनाया, आज तो ट्यूसडे है फिर से, तो हमारा बिना प्याज लहसुन वाला खाना, तो सुबह भी थोड़ा सा हेक्टिक उसमें हो गया था एंड अभी भी सादी सब्ज़ी बनाऊँगी एंड पराठा बनाऊँगी, बस इतना सा ही। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस, अभी हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं यहाँ पे काट रही हूँ ड्रमस्टिक को, क्योंकि मुझे बनाना था ड्रमस्टिक की सब्ज़ी रात को, और कुछ नहीं ब्लॉग बनाया। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग, मतलब लंच मैं बना रही हूँ, अभी 11 बज चुका था और ड्रमस्टिक आलू बड़ी डाल के मैं जो मस्टर्ड पेस्ट डाल के सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी और टैंगी सा होता है, इसलिए सोचा कि व्रत के बाद वाले दिन थोड़ा सा चटपटा खाने से अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा चटपटा और टैंगी सा बना रही हूँ। ये देखिए मस्टर्ड में मस्टर्ड सीड्स है और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा लहसुन की कली, इसे डाल के मैं पेस्ट बना लूँगी, और जो बढ़िया लाई थी घर से वो मैं निकाल रही हूँ, मेरे हाथ नहीं पहुँचते तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ। तो अभी मैं मॉस्टर पेस्ट बना दूँगी, और ये मॉस्टर पेस्ट ना ऐसे तुरंत बना के पकाने से अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, नहीं तो रख दो तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब बनाना होता है सब्ज़ी ना तभी मैं मॉस्टर पेस्ट बनाती हूँ ऐसे ही थोड़ा सा ही, और तुरंत ही बना देती हूँ सब्ज़ी को। गाइस, आज है नेक्स्ट डे और आज 2 दिन का व्रत ही कहें, क्योंकि जन्माष्टमी का पूरा व्रत था, कुछ नहीं खाया था, रात को ही खाए थे एंड कल था ट्यूसडे, यानी कि हमारे नॉन वेज डे एंड बिना प्याज लहसुन वाला खाना, सात्विक खाना जिसे हम बोलते हैं, लेकिन उस दिन भी हम कम ही खाते, मतलब दो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं एंड जो ये है लंच करते हैं, सात्विक लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं सिर्फ, जो ब्रेकफास्ट टिफिन वगैरह वो सारा कुछ स्किप करते हैं। तो सात्विक सा खाना था कल, और आज एक नॉर्मल डे है,
वेनेसडे है, वैसे तो नॉन वेज डे है, नॉन वेज लाना चाहिए था, लेकिन आज हस्बैंड का फिर से एक पूजा है, मतलब हस्बैंड पूजा करने जाएंगे। सत्यनारायण भगवान जी का पूजा है, और जिस दिन सत्यनारायण भगवान जी का पूजा होता है उस दिन वो नॉन वेज कुछ नहीं खाते हैं, तो इसलिए आज नॉन वेज नहीं आया, तो सोचा कुछ चटपटा सा बनाते हैं। तो चटपटा में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, दाल चावल सिंपल सा, और इसके साथ आलू ड्रमस्टिक एंड बड़ी की जो होता है सरसों का पेस्ट डाल के सब्जी, हम उसे बोलते हैं सोरिसा बट्टा या बेसारो बोलते हैं उड़िया में। तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, चटपटा होता है, टेंगी सा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें खट्टा रहता है, ड्राई मैंगो जाता है, टमाटर ज़्यादा पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, चटपटा सा है। तो बस वही बना दूंगी अभी, और दाल बना ली हूँ, चावल दाल, और उसके साथ ये वाली सब्जी, और कुछ नहीं बनाऊंगी, बस हल्का सा ही हमारा लंच आजकल थोड़ा थोड़ा ही बन रहा है, मतलब एक दो डिश बन रहा है, पहले ना बहुत सारा चीज़ हो जाता था, अभी नहीं। मैंने सोचा कि एक दो डिश ही बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ज़्यादा हो भी जाता है, लेकिन आज ज़्यादा नहीं है, कम है, तो चलिए बना लेती हूँ। और आज मौसम बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा था, लेकिन आज पूरा सूखा मौसम है, तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। जिस दिन ऐसी मौसम होती है ना, मैं खुश सो जाती हूँ, बहुत सारे कपड़े धो के ऊपर सुखा देती हूँ। हम हाउसवाइफ को तो यही है कि मौसम अच्छा रहे, ताकि हम कपड़ा ज़्यादा साफ कर सके, कपड़ा ज़्यादा सुखा सके, घर की क्लीनिंग कर सके, यही होता है ना हम हाउसवाइफ के साथ। तो आज अच्छा मौसम दिया है, पर कड़क कड़ाकेदार धूप, और बहुत सारी चीज़ भी मुझे सुखाने थे, खाने पीने की चीज़ें, जो घर में रह रहे के थोड़ा सा होता है ना, जो रेनी सीजन में जो थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ लेती है, उसे थोड़ा थोड़ा सुखाना होता है, तो सोची आज सुखाऊंगी, लेकिन आज कपड़ा में ही बहुत सारा हो गया, बहुत सारा सुखा नहीं, फिर टायर्ड फील करने लगी, क्योंकि धूप में ज़्यादा ना टायर्ड फील हो जाता है, तो बस इसीलिए। और कल सुखाऊंगी, अभी तो होगा ना धूप बहुत ही तेज़ होगा अभी, मतलब विंटर तक बहुत ही तेज़ होगा, तो अच्छी बात है ये। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि लंच बहुत लेट भी हो चुका है, आज 12 बज चुके हैं, कपड़े सब सुखाने ये सब करने में लग गई मैं, तो ठीक है चलिए बनाते हैं खाना। हाउसवाइफ तो छोटी छोटी चीज़ में खुश हो जाते हैं, और आज धूप देख के मैं बहुत खुश हो गई थी इतने दिनों बाद। और यहाँ पे सिंपल सा लंच बन रहा है, तो मैंने प्रेशर पे चढ़ा लिया है आलू ड्रमस्टिक, और जो मस्टर्ड पेस्ट डाल के मैंने यहाँ एक साइड बिठा लिया है, बड़ी नहीं डालूंगी, बड़ी अगर प्रेशर में डाल देती तो वो पूरा घुल जाता है, इसीलिए बड़ी को मैं बाद में डालूंगी। थोड़ा सा हल्का सेलो फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा ऑयल डाल के, तो और दाल चावल यहाँ पे मेरा बन चुका था, उसके साथ कुछ चावल की बड़ियाँ लाई थी वो तल रही थी, वो भी खा लेंगे, तो हो जाएगा 3-4 डिश हो गया वैसे भी। तो सिंपल सा लंच बन के हमारा रेडी है, ये मैं छोंक लगा दूंगी तो मेरा खाना बन जाएगा। आज के लंच मेनू में है दाल चावल और ये ड्रमस्टिक आलू बड़ी की सिंपल सी करी, और उसके साथ ये चावल की बड़ियाँ। होप यू ऑल लाइक इट। सो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं एक नए से फिर से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू।